अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद मुकद्दर रजा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची में कत्ल किए गए सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी अरफान अली महर के केस में पेश रफ्त हुई है। सीटीडी कराची टीम ने शिकारपुर से दो अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर मज़ीद बात करते हैं कराची से हमारे साथ लाइन पर मौजूद ब्यूरो चीफ जुल्फकार अली से। जी जुल्फकार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कराची में कत्ल किए गए अरफान अली महर के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। सीटीडी कराची की टीम ने कार्रवाई करते हुए दो अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जराए बताते हैं कि मकतूल के साले अकबर महर और हमजुल्फ रहीम बख्श महर को गढ़ी यासीन से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि अरफान अली महर के कत्ल का वज़ीरे आला सिंध ने नोटिस लेते हुए मुलजमान को गिरफ्तार करने की हदायत की थी। अरफान अली महर को 1 दिसंबर को कराची के इलाके गुलस्ताने जौहर में उस वक़्त फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था जब वो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे। जी बहुत शुक्रिया जुल्फकार तफसीला से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज़।